जस्ट बिकॉज इंडिया हमारा राइवल है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। नॉनसेंस, लॉजिकलेस। तो दोस्तों, वैसे तो इस किट रिव्यू की सीरीज के अंदर मैं वेट करता हूँ कि कोई टूर्नामेंट आएगा ताकि सारी टीमों की किट्स एक साथ रिव्यू होंगी, जैसे कि आईपीएल के हम करते हैं, पीएसएल में करते हैं, वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में करते हैं। लेकिन क्योंकि ये किट बहुत ज़रूरी है और इसके आने वाला नेक्स्ट इवेंट इस टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप टीम इंडिया, और जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी एडिडास के साथ साइन हो रही है, तो मैं एज अ राइवल खुश तो नहीं होना चाहिए मुझे, नहीं, मैं बहुत खुश हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि अगर दिल से कोई चीज़ पसंद आ जाए ना आपको, तो बेशक वो आपका राइवल भी हो, तो आपने उसको सपोर्ट करना है भाई, ठीक है। क्रिकेट विकेट सब साइड में, दिल से कोई जो चीज़ पसंद आ गई है आपने सपोर्ट करना है। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन हूँ, तो इंडिया की क्रिकेट जर्सी है मुझे कैसे पसंद आ सकती है। नहीं, मैंने पोस्ट डाला, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे पता था। और इसी वजह से दोस्तों ये वीडियो में थोड़े से सख्त अल्फाज में यूज़ करूँगा फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, क्योंकि उनको बुरी लगी की बात। तो प्लीज़ अगर हिम्मत है तो रुक जाइए, वरना आप चलते बनिए, 5 सेकंड का ब्रेक देता हूँ मैं आपको। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ किट रिव्यू। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज कमिंग एंड इंडिया इज गोना प्ले इन देयर न्यू एडिडास किट। और इफ यू डोंट नो मी, आई एम अ ह्यूज फुटबॉल फैन एंड अ रियल मैड्रिड डाई हार्ड फैन, और रियल मैड्रिड एडिडास बचपन के साथ ही हैं, और एडिडास को क्लोजली, क्योंकि हर साल मैं रियल मैड्रिड की जर्सी पे खरीदता हूँ, और एडिडास क्लोजली आर, यस, I have purchased original jerseys of Real Madrid as well, so I closely know ke how Adidas is like on another level of their kit. Aur kafi log ye keh rahe the Indian fans ke bahut simple kit hai, bahut hi off mati kit hai, chale kuch tasveere bhi khol lete hain. To sabse pehle to ek video aayi Adidas ki taraf se, jiske andar unhone tino ke tino hame dikha di kit, bhai ye kit hogi, aur test ODI T20, aur इसमें से कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई बहुत ही सिंपल किट है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एडिडास इज़ ऑल अबाउट सिंपलिसिटी, ठीक है। मैं रियल मैड्रिड फ़ैन हूँ, और मुझसे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता एडिडास को, क्योंकि मैं एडिडास के किटें ख़रीदता हूँ बिकॉज ऑफ रियल मैड्रिड। और एडिडास बहुत ही मुश्किलों से जाकर कुछ जान मारता है डिज़ाइनिंग में, नहीं तो बिल्कुल सिंपल रखता है, उसकी डिज़ाइनिंग सिंपल है, और यही खासियत एडिडास की, और यही सेपरेट करता है उसको नाइकी से, पूमा से, ठीक है। अब बात आ जाती है, जब मैंने पोस्ट डाला कि आई लव द न्यू एडिडास इंडिया किट जर्सी ऑफ ओडीआई टी20 वोडी, इसके डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा अपना वो टॉपिक बता दूं कि जो मैंने क्यों बोला पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ज़रा बुरा मानेंगे। तो जब मैंने वो पोस्ट डाला तो काफ़ी सारे लोगों ने, एज ऑलवेज मुझे पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं ज़्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं, और प्लीज़ बुरा मत मानना दोस्तों, जो मेरे दिल में बात होती है मैं जब भी सच बोलता हूँ, मैंने पहले आपको वार्निंग दे दी, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, और कमेंट सेक्शन में हगना नहीं भाई, प्लीज़, 2 सेकंड लगेंगे मुझे कमेंट डिलीट करने में। तो भाई बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आ गए थे और वो कह रहे थे कि भाई बेकार किट है, ये किट है, कैसे सपोर्ट कर रहे हो इंडिया को, फलाना धमाका। भाई मतलब राइवल है, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ी सख्त बात करने वाला हूँ, हम सब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को पता है कि इंडिया किट्स में ये कोई पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है, इससे पिछला इनका नाइक स्पॉन्सर था, ठीक है। कहाँ पर है आईपीएल में, कहाँ पर है लीग में, कहाँ पर है, और सिक्योरिटी वो हो गया, और जो उनका मार्केटिंग लेवल हो गई वो कहाँ पर है, ठीक है। जस्ट बिकॉज इंडिया हमारा राइवल है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, नॉनसेंस, लॉजिकलेस, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई इंडिया के सो फार किट्स के ऊपर, सो प्रीवियस जो इनका बड़ा स्पॉन्सर था वो था नाइकी, और नाइकी के बाद उन्होंने छोटे मोटे जो है इनके लोकल को चांस दिया, एंड देन अनदर बिग एडिडास, ठीक है। और अगर हम क्रिकेट के अंदर बात कर लें तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया नाइकी किया हुआ है, एडिडास किया हुआ है, नाइकी नहीं किया हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने, सॉरी, एडिडास किया हुआ है। एडिडास ऑलवेज इंग्लैंड के साथ रहता था, ठीक है, एडिडास इंग्लैंड का साथी है, तो वो हमने देखा, क्लास, इंग्लैंड की क्लास अमेजिंग, ठीक है। एडिडास और इंग्लैंड का ना जो मिक्सचर है ना, तबाही लगता है, उसकी किट जो है ना खूबसूरत तरीन लगती है, क्लास है वो। साउथ अफ्रीका ने आई थिंक कराओ 1-2 साल, और इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भी कुछ लोग लगा लेते हैं, एक और टीम का मेरे उससे होना चाहिए था, वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट नेक्स्ट लेवल है, पाकिस्तान का टसन
इंडिया पाकिस्तान से होता भी है, तो अब बहुत सारे अकलमंद ये भी होंगे जो कह रहे होंगे कि भाई क्रिकेट से क्या होता है दोस्त, क्रिकेट अच्छी खेलनी आनी चाहिए। बे बुद्धू, क्रिकेट से बहुत कुछ होता है, मार्केटिंग लेवल है ये। अगर क्रिकेट से कुछ होता नहीं ना एड, तो फिर ये रियाल में एडिडास नहीं करता, मैन सिटी को पूमा नहीं करता, पीएसजी को नाइकी नहीं करता, वो भी फिर अपना शहजाद स्पोर्ट, शफीक स्पोर्ट्स, अपने लोकल छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची स्पोर्ट्स की जो दुकानें हैं ना उनको दे देते, भाई बना ले भाई मार्केट है। तो मार्केटिंग लेवल होता है, ठीक है। इंडिया आईपीएल रोहड़ा, यू नो मार्केटिंग लेवल, थोड़ा सा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं, अगला एशिया कप, वर्ल्ड कप आ रहा है, रिप्रेजेंट एडिडास, एडिडास नोस, हथौड़ा मारा सही वक्त पे, ठीक है, इसे कहते हैं मार्केटिंग लेवल। अब चलते हैं इन डिटेल में बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, थोड़ी सी लंबी करूंगा इस वीडियो में, प्लीज पूरी वीडियो देख लेगा क्योंकि मैंने बड़ी प्रिपरेशन करी है इस वीडियो में स्पेशली बोलने में। ओके जी, सबसे पहले तस्वीर हमारे पास आएगी दोस्तों वो है टेस्ट ओडीआई और ये ऑफिशियल वीडियो चलाई थी एडिडास ने अपने पेज पे। अच्छा, एडिडास इंडिया अलग होता है, एडिडास ऑस्ट्रेलिया, एडिडास इंग्लैंड, ये सब अपनी अपनी कंट्री के होते हैं, लेकिन एडिडास जो ब्रांड है वो वर्ल्ड वाइड एक ही है, उसको एडिडास ही कंट्रोल कर रहा है, एडिडास इंडिया को और एडिडास ऑस्ट्रेलिया को, एडिडास पाकिस्तान को। फॉर एग्जांपल एडिडास पाकिस्तान जो है उसको भी एडिडास सपोर्ट कर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसको शफीक स्पोर्ट्स से स्पॉन्सरशिप करवानी है, उसको जुनैद स्पोर्ट्स से स्पॉन्सरशिप करवानी है, और प्रीवियस वर्ल्ड कप की जो वो थी वो भी पता नहीं किससे बनवाई थी, वो भी लाइनें जारी थी। उससे जो पिछला था ना जिसमें हमने 152 मारे हैं नॉट आउट, बाबर रिजवान ओपन पार्टनरशिप, दैट किट इज द बेस्ट एवर किट ऑफ पाकिस्तान, जो कमांडो जो मैं पहनता हूँ एशिया कप वाली, उससे अच्छी किट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद माठे, उससे पहले माठे, इंडिया फिर भी बहुत क्लास की थी जब नाइकी था, बीच में माठी पना आया, लेकिन एडिडास दिस, आओ बात करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट, ठीक है, और टेस्ट में अच्छा वीडियो में ना पता नहीं चल रहा है इतना, ठीक है, इन डिटेल में एडिडास की ना सिंप्लिसिटी, दिखने में सिंप्लिसिटी होती है लेकिन उसके जो कपड़े का डिटेलिंग होती है ना वो मैं दिखाता हूँ आपको अगली तस्वीर में। नेक्स्ट तस्वीर में आप देखिए, ये देखो डिटेलिंग, ठीक है। अब किट के अंदर दो वेरियंट होते हैं, एक होता है फैन आपका फैन वर्जन जो फैंस पहनते हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस पहनेंगे, ठीक है, और एक होता है प्लेयर एडिशन। जो प्लेयर एडिशन जो होता है ना वो ये है, ये तस्वीर में दिखा रहे हैं, लुक एट द डिटेलिंग ऑफ दैट एडिडास लोगो, ठीक है, लुक एट दैट डिटेलिंग जो कपड़े पर है, ठीक है, ये चेक करो, एक वाइट स्ट्राइप पे ग्रीन लाइन है पतली सी, एक वाइट स्ट्राइप पे जो है आपकी ऑरेंज है, एंड देन द मिडिल वन इज होल वाइट, इंडिया का झंडा रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेनिंग किट, चेक करो, ये इंडिया की अभी ट्रेनिंग चल रही है फॉर द क्रिकेट, फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और आप चेक करें क्लास, भाई पूरी दुनिया की फुटबॉल क्लब्स, बड़े से बड़े फुटबॉल क्लब्स, एडिडास नाइकी पूमा क्यों करता है भाई, वो माहिर हैं वो इस ये बनाने में, क्लास चेक करें आप, स्ट्राइप्स देखें क्या खोली, क्या लग रहा है इसमें, क्या हुडी बनाई है, ठीक है। एक चीज़ से मैं ज़रा सा ना खुश हूँ वो ये है, अच्छा वो बहुत डिटेल में सोचता हूँ मैं क्योंकि मैं डिज़ाइनर हूँ, मुझे किट्स वगैरह का बहुत शौक है, ठीक है, तो उसमें ये सीन है कि जो ना दो तरीके की ना एम्बॉड वो होती हैं, मतलब लोगो जो होता है ना पैच लगता है, वो दो तरीके का होता है, बैटरी ख़त्म होने वाली है कैमरे की, 5 सेकंड रुको, चलो जी बैटरी लगा ली है, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था लोगों की इस किट्स में, ठीक है, स्पेशली ट्रेनिंग किट में, अब मुझे पता नहीं, हो सकता ऑफिशियल किट के अंदर वो सीन ना हो, तो ट्रेनिंग किट के अंदर जो है वो उन्होंने स्टिकर चिपका दिए हैं, ठीक है, हालांकि प्रॉपर एम्बोजिंग होती है, अब मैं तुम लोग को समझाऊँ कैसे, देखा इस तस्वीर में देखो, ये देख रहे हो प्रॉपर एम्बोज हुआ है, ये एक रबड़ का पीस है, ठीक है, ये सब रबड़ के पीस है जो एम्बोज हुए हैं, दिस इज ऑफिशियल प्लेयर एडिशन, और ये जो ट्रेनिंग में जो खोली पहने हुए हैं ये जो है ना स्टिकर है, ये दोनों लोगो भी स्टिकर है और एडिडास का लोगो भी स्टिकर है, तो आई थिंक आई एम होपिंग कि ट्रेनिंग के अंदर ही हो, एंड आई विश ये हो, नहीं तो क्लास। अब बोलो इतना तू डिटेल में सोच रहे हो, भाई सोचना पड़ता है, ठीक है बाबलो, ये किट्स बिकेंगी, रोखड़ा आएगा इंडियन क्रिकेट के पास, समझते नहीं हो तुम लोग, चलो आओ नेक्स्ट। उसके बाद T20 ये आ गई है, एक मिनट, ये वनडे की है, ये T20 की है, ठीक है, अब देखो डिटेलिंग चेक करो, ठीक है, दूर से सिंपल लगते हैं आज के सारी किटें, लेकिन डिटेलिंग चेक करो, दिस लोगो एंड दिस डिज़ाइन, जो डिज़ाइन आ रहा है, लव दैट, ब्यूटिफुल, ठीक है। आई विश के जो इंडिया लिखा हुआ है ऑरेंज से ये वाइट्स लिखा होता तो ये एडिडास का लोगो और ये इंडिया की वाइट वाइट हो जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उन्होंने अपने झंडे से थोड़ा सा टच दिया है, ठीक है। T20 किट को मैं दूंगा आउट ऑफ 5, 3 out of 5, ठीक है, चलते नेक्स्ट। ODI इज ब्यूटिफुल, वंस अगेन इंडिया के जो ऑरेंज जो लिखा हुआ है ना वो वाइट्स होता तो और ज़बरदस्त हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अपने हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन आई लव द डिज़ाइन, लुक एट दिस डिज़ाइन मैन, ऐसे जो क्या कहेंगे इसे, इसको डिस्क्राइब कैसे करूं मैं,
लेकिन जो डिजाइन है ना, दिस डिजाइन ओहो ब्यूटीफुल। और ये अभी तस्वीरों में थोड़ा माठी लग रही है, जब ये पहन के खेलेंगे ना वर्ल्ड कप में, फिर तुम देखना क्या खूबसूरत लगेगी। इंग्लैंड इंडिया यहाँ होंगे वो, ठीक है। और किट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों, अगर किट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ये क्लब क्या मार्केटिंग लेवल है भाई, ये तुम लोग समझते नहीं हो यार। चलो ODI को मैं दूंगा आउट ऑफ 4 out of 5। आई लव द ODI मोर देन T21। नेक्स्ट चलते हैं भाई, टेस्ट ये पहनेगा इंडिया अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, ये पहनेगा ठीक है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एंड दिस इज प्योर ब्यूटी, प्योर ब्यूटी। क्यों? अगर हम थोड़ा क्लोज चले आते हैं, डिटेलिंग चेक कर रहे हैं आप, ये जो डिटेलिंग डिजाइन बना हुआ है, एडास इज ऑल अबाउट कपड़े की क्वालिटी, डिटेलिंग इन डेप्थ एम्बोजिंग जो होती है, और फिटनेस। तो फिटिंग होती है ना, आप प्रीमियम फील करते हो भाई। मैंने ओरिजिनल किट्स पहनी एडास की रियल मेड की, आप प्रीमियम फील करते हो, इतना मज़ा आता है ना आपको कि उसको पहन के खेलने में। और एज अ फैन यू प्राउड कि कहाँ चली गई हमारी टीम, एडिडास के साथ साइन करी है। कौन एडिडास? जिसने रियल मेड को स्पॉन्सर किया है। कौन एडिडास? जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को किया है, अभी इंडिया को कर रही है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, कि बहुत सारे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस बोलेंगे तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान इसलिए नहीं कर पा रहा, रोकड़ा नहीं है। IPL मनी टू मच रोकड़ा मार्केटिंग, ठीक है लगा दबा के पैसा, ठीक है हो रहा है वो। हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है, हम लोग कोशिश करे जा रहे हैं कि PSL को बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो प्रमोट कर लो पहले, ठीक है। उसको कैसे प्रमोट करेंगे? मार्केटिंग से, किट्स, एड्स, डिफरेंट स्पॉन्सर्स, ठीक है, उसके थ्रू होगा। और इसी वजह से टीम इंडिया जो है ना, उसका क्लास कहाँ निकल गई है। आप खुद ज़रा बैठ के सोचो, पिछले 5-10 साल में इंडियन क्रिकेट टीम मार्केटिंग लेवल पे कहाँ थी और आज कहाँ है। उन्होंने IPL को कहाँ ले गया, ठीक है जी। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते, बहुत बोल लिया मैंने, अब मैं जाऊँगा पानी पीऊँगा। और मुझे तो भाई दिल से, डजेंट मैटर आई एम अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, डजेंट मैटर, स्टिल आई लव 3 ऑफ देम, लेकिन द बेस्ट वन इज़ द ODI किट जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। एंड आई फील जेलस, एंड आई होप, मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात सही हो PCB के, और एक दिन ऐसा है कि नाइकी पूमा एडिडास स्पॉन्सर कर रहा हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। ये टीम जब इंडिया को वर्ल्ड कप में 152 पे ऑल आउट मतलब हरा सकती है ना, ठीक है, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला गेम हरा सकती है, इसका मतलब हमारी क्रिकेट गेम अच्छी है। और क्रिकेट पाकिस्तान में नंबर वन गेम है, और अगर कोई गेम आपके मुल्क में नंबर वन है ना, तो उसमें टुच्चे मुच्चे, जुनेद स्पोर्ट्स, फलाना ये वो स्पोर्ट्स, ये नहीं, पूमा नाइकी एडिडास मांगते हैं अपने को, ठीक है, क्योंकि जब ये आएंगे ना तो धड़ाधन किट्स बिकेंगे और फिर रोखड़ा आएगा, ठीक है जी। बहुत लंबा साइकिल है, ठीक है, जो हमारा जो है ना काम खराब है जिसके अंदर। चलो जी, लंबी हो रही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखना। इफ यू डू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड इफ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक लाइक द पेज। बाय बाय।